दोस्तों नमस्कार। ये स्टूडियो मास्टर का 1.5 का दूसरा भाग है जिसमें टिक टिक की आवाज़ आती थी, तो वहाँ से आगे का वीडियो आइए देखते हैं। अब हमने पावर सप्लाई बोर्ड पे जो ट्रांसफार्मर से तारें लगी हैं इनको संभाल के निकालना है एक एक करके। मैं जैसे निकाल रहा हूँ एक साथ ही, ऐसा मत करें, संभाल के निकालें। और इसको निकालने के बाद इस प्लेट के निचले हिस्से पर, मतलब वो इसकी बॉडी के निचले हिस्से पर इसके 4 या 5 स्क्रू भी लगे हैं, उनको भी खोलना होगा। आपको दिखाता हूँ, ये जो दिखाई दे रहे हैं इनको खोलना है तब ये प्लेट बाहर आएगी। ये जो जैक है मॉड्यूल पे लगा हुआ इसको भी निकालना है। और हालांकि ये रिबन काफ़ी लंबी होती है, इसको निकाले बगैर भी काम चल सकता है, लेकिन मैं सेफ्टी के तौर पे इसको निकाल ही लेता हूँ कहीं खींच ना जाए। तो इसको बहुत संभाल के उठाना है। ये इस जैक को भी निकाल लेते हैं। ये वो तारे हैं जो इस सप्लाई बोर्ड से हमने निकाला है, इसके दोनों रिबन। और इस प्लेट को पलट के देखते हैं। यहाँ साइड में एक अर्थ की तार जो लगी होती है जिसका एक सिरा इसकी ऊपर वाले ढक्कन से जुड़ा रहता है, उसको भी निकाल दिया। तो अब ये सप्लाई अलग हो गई है, मॉड्यूल के दोनों तार निकल चुके हैं, रिबन निकल चुका है। अब ये रिले के पास जो डायोड लगे हैं और ट्रांजिस्टर एक लगा है, इन सबको मल्टीमीटर के द्वारा चेक कर लेते हैं कि ये कहीं ख़राब तो नहीं है, और फिर आगे देखते हैं। पहले डायोड को चेक करते हैं, ये 500 ओम्स के आसपास बता रहा है, ठीक है। और अब जिनर डायोड को भी चेक कर लेते हैं, ये भी सही है। तो डायोड दोनों चेक हो गए जो इस रिले के पास में लगे थे, और दोनों की टेस्टिंग सही है। जो ये आपको एक और डायोड है इसको दिखा देते हैं, जहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई प्लस माइनस लगी थी उसके पास वाला रिले है ये। तो ये है ट्रांजिस्टर छोटा सा, ये बेस टू कलेक्टर, बेस टू एमिटर 6 से 7 ओम्स के आसपास बताना चाहिए। तो अब ये भी सही बता रहा है। तो ऐसा करते हैं कि इसके रिले को ही बदल देते हैं। रिले ही टिक टिक कर रहा है और हमारा प्रमुख संदिग्ध वही है। तो जो छोटे मोटे पुर्जे थे उनको हमने ट्राई कर लिया, अब रिले निकालते हैं। तो ये पहला वही रिले है जो टिक टिक करता है, इसमें दोनों तरफ प्रिंट होता है, ऊपर भी नीचे भी, इसलिए इसको निकालने में थोड़ा वक्त लगता है। तो रिले के अंदर एक कॉइल होती है जो करंट मिलने पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है, और इससे जिन दो पॉइंट को आपस में मिलाना होता है वहीं पर लगे होते हैं, वो उसको खींच लेती है और उसको मिला देती है, इस तरह ये ऑन हो जाता है। तो यही इसका काम है। और बाकी के जो मैं समझ रहा हूँ आप लोगों ने उस ट्रांजिस्टर को चेक करते समय प्रॉपर नहीं देख पाए, क्योंकि मोबाइल सही से मैं उसको कवर नहीं कर पाया, उसको मैं फिर से दिखा दूँगा। रिले निकालने के बाद भी वो चेक कराया जा सकता है। तो ये 4 पिन वाला रिले है, और जिस रिले को निकाला है उसके साथ के ये डायोड हैं, इनको मैं आपको फिर से दिखा दूँ। इसको मैंने दूसरे डायरेक्शन से रिकॉर्ड किया है, इधर से शायद आपको थोड़ा क्लियर दिख जाए।
तो ये जो काले रंग का डायोड है, इसके बाद ये 220 ओम्स की रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस में 212 ओम्स का कंटिन्यूटी मीटर शो कर रहा है। मीटर भी थोड़ा सा पुराना है। और जिनर डायोड के बाद ये दूसरा डायोड, ये भी सही है। और अब ट्रांजिस्टर को रेड प्रोब को बेस पे लगा के, बेस टू कलेक्टर, बेस टू मीटर, 600-700 ओम्स के आसपास दोनों तरफ बताना चाहिए, तो ये ठीक है। अब देखते हैं दोनों रिले, एक नया और एक पुराना। तो जो हमने निकाला है उसमें 4 पिन हैं। आगे की दोनों जो छोटी पिनें हैं वो कॉयल की होती हैं, उसी में करंट देने पे ये मैग्नेट पैदा करती है इसके अंदर में ही। और ये जो नया रिले हम लेकर आए हैं, इसमें आप देखेंगे तो इसमें 6 पिनें दिखाई दे रही हैं, एक ये और एक वहाँ पीछे की तरफ है, ये 2 पिनें इसमें ज़्यादा हैं। तो इसकी पिन को काट देते हैं। हालांकि इस रिले को लगाने के लिए प्लेट पे बना है पॉइंट, लेकिन उसके शोल्डर को साफ़ करना पड़ेगा, और उससे ज़्यादा आसान है, इसके पिन का कोई यूज तो है नहीं, इसी को काट देते हैं। फिट नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि हाँ एक पिन और काटनी पड़ेगी, ये वाली, तो इसको भी काट देते हैं। इस रिले में 6 पिन हैं, पहली वाली में 4 थे, तो अब ये लग जाएगा। इसको प्रेस करके अच्छी तरीके से बिठा देते हैं और फिर इसको इसकी सोल्डरिंग कर देते हैं। तो ये पहली दोनों पिन जिस पे सोल्डरिंग किया, ये कॉयल है और वो दोनों जिससे ऑन किया जाता है। तो बस इसका इतना ही काम था। और अब तो हमने रिले लगा दिया, तो अब इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा टिक टिक दूर हुआ कि नहीं। ये पहली दो एसी केबल की तारें हैं, ये वाली, और इसके बाद जो दूसरी है ये वाली, ये ऑन ऑफ से होती हुई ट्रांसफार्मर के इनपुट को गई है। तो हमने सिर्फ इसको करंट देना है अभी, और ट्रांसफार्मर से आउट होने वाली किसी सप्लाई को भी प्लेट में नहीं लगाना है। ये 12 वोल्ट वाली को लगा देते हैं यहाँ पर। इसको हमने रीसोल्डरिंग कर दिया है और एसी इनपुट दे दिया है। तो प्लेट को कहीं सही से टिका लें, क्योंकि इसमें एसी भी कनेक्ट हो चुकी है केबल की तार, तो इसकी बॉडी में करंट फैल सकता है, इसलिए इसको संभाल के फिट करें कहीं। और अब इसकी पावर को ऑन करके देखते हैं। पहले इसको अपने मोबाइल का माइक ऑन कर लें, क्योंकि टिक टिक की आवाज़ को ही बताएगा, क्योंकि एलईडी तो अभी जलेगी नहीं, क्योंकि मॉड्यूल के सारे तार ऑफ हैं। तो पावर ऑन करने के साथ ही आपने देखा टिक की आवाज़ आती है, रिले ऑन होते हैं, लेकिन जो टिक 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 करता रहता था वो हट चुका है। सबसे पहले इस तार को निकाल के सप्लाई बोर्ड को अच्छी तरह फिट कर दें, और सारे ट्रांसफार्मर के जो तार वगैरह हैं सब लगा दें, फिर चेक करते हैं तसल्ली से। इस प्लेट के स्क्रू और जो तो सॉकेट के सारे जो स्क्रू हैं उनको प्रॉपर फिट कर देते हैं।
ये अर्थ की तार है जिसको हमने बॉडी से जोड़ना होता है ऊपर ढक्कन को, ये इसको भी लगा दें, बहुत ज़रूरी है इसको लगाना। ये इनपुट आउटपुट की तारें हैं, इनको लगा देते हैं। उसके बाद जिसको जहाँ से निकाला था वहीं पर इसको फिर फिट कर देना है, और जब पूरी तसल्ली हो जाए कि हाँ सब जिसको जहाँ से निकाला था वहीं पर फिट किया है, उसके बाद ये ऑन करना है। ये दूसरे मॉड्यूल का रिबन, इसको भी लगा देते हैं। पहले का हमने लगाया, इसकी पत्ती बहुत नाजुक होती है, इसको बहुत हल्के हाथों से निकालना और लगाना होता है, और ये आसानी से मार्केट में मिलती भी नहीं है। अब इसको भी लगा देते हैं, इसको कितनी बार लगाना निकालना पड़ा है इस तार को, तो अब एक बार मुआयना कर लें सारा, सबको सही लगा दिया है कि नहीं। इसको भी लगा दिया है, ट्रांसफार्मर के सारे आउट लग गए हैं, और अब जो मॉड्यूल हैं उनको अभी हमने सप्लाई नहीं देना है। जैसे हमने शुरू में चेक किया था मॉड्यूल के सप्लाई को निकाल के और रिबन लगा था, बिल्कुल उसी कंडीशन में एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का काम देखते हैं। वैसे टिक टिक तो ख़त्म हो ही चुकी है, तो आपने देखा टिक टिक नहीं हो रही है, और ये बिल्कुल ऑन हो गया है। फिर से ऑफ करके दिखाते हैं आपको, सेट ऑन हो चुका है। तो अब आपको सुनाते हैं जो रिले ऑन होते हैं तीनों, पहले पावर का फिर दोनों मॉड्यूल का, उसकी आवाज़। तो अब उसकी दिक्कत दूर हो चुकी है, चूँकि हमने इसको ऑन किया था इसलिए फ़िल्टर कंडेंसर को डिस्चार्ज करना आवश्यक है, और इसको डिस्चार्ज करने के बाद फिर इसके मॉड्यूल के वायर को इससे कनेक्ट करते हैं बारी बारी से। दूसरे मॉड्यूल का इसको भी लगा देते हैं, और ये है पंखे की तार। इसी तरह हमने दूसरे पंखे की तार भी लगा देनी है। इससे पहले के सारे जैक रिबन सब लगी चुके हैं, और अब फिर से एक बार ऑन करके देखते हैं, तो दोनों चैनल बिल्कुल सही है। तो ये सही हो गया है, अब इसको कर देते हैं बंद और बाद में करते हैं चेक। हेलो चेक, हेलो टेस्टिंग, हेलो 1 2 3 4, हेलो 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 चेक, हेलो टेस्टिंग, हेलो 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 चेक, हेलो टेस्टिंग, हेलो 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 चेक, हेलो टेस्टिंग, हेलो हेलो। मास्टर का 1.5 इसमें जो फॉल्ट था वो दूर हो गया, और हेलो 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 अगले वीडियो में हेलो हेलो किसी और सेट के साथ, किसी और फॉल्ट के साथ। हेलो हेलो, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। नमस्कार।